नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। पीरियड डेट मिस होने के बाद हम अपनी गर्भावस्था को कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन पीरियड आने से कुछ समय पहले, 1 से 2 दिन, 5 से 6 दिन पहले काफ़ी महिलाओं को डिस्चार्ज की समस्या रहती है। ये डिस्चार्ज अलग अलग रंग का होता है, किसी को चिपचिपा आता है सफ़ेद रंग का, किसी को ट्रांसपेरेंट, तो किसी को ब्राउन कलर का, किसी को पिंकिश कलर का। ये डिस्चार्ज कैसे हमें बताता है कि इस महीने हमारे जो प्रेगनेंसी है वो रुक चुकी है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरी, तभी आपको एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने इस महीने सही टाइम पे ट्राई किया है और गर्भ रुक चुका है, तो उसके बाद आपका डिस्चार्ज जो है वो चेंज होने लगता है, उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। वहीं अगर आपको पीरियड्स आने होंगे तो वो उसका पैटर्न अलग होता है। तो दोनों में आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड आने वाला डिस्चार्ज के बारे में। अगर आपको पीरियड आने होंगे तो पीरियड आने से 3 से 4 दिन पहले काफ़ी महिलाओं को चिपचिपा या ट्रांसपेरेंट या वॉटरी डिस्चार्ज आता है, जो बताता है कि पीरियड्स आपको शुरू होने वाले हैं। ये डिस्चार्ज नॉर्मली 90-95% महिलाओं में आता ही आता है, और नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन इस महीने सही समय पर आप जब ओवुलेट हुई थी, ठीक है, आपका अंडा ओवरी में आया था, उस दौरान आपने रिलेशन मेंटेन किया, तो इट मीन्स आपका गर्भधारण हो चुका है। तो हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में बनेंगे, बीटा एसीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में चेंजेस लाना शुरू कर देंगे, और यूट्रस में भी चेंजेस आएगा। यूट्रस स्ट्रेच करता है क्योंकि अब आपकी बॉडी में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है, और उसी दौरान, ठीक है, आपके यूट्रस से वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा निकलने लगता है। जी हाँ फ्रेंड, डिस्चार्ज आपका ज़्यादा आपको निकलेगा। ये डिस्चार्ज आपको ट्रांसपेरेंट ना होते हुए वाइट रंग का आ सकता है, मिल्की वाइट और गाढ़ा आ सकता है। लेकिन काफ़ी महिलाओं का क्वेश्चन रहता है कि हमें तो ब्राउन डिस्चार्ज आया था जब हमारी गर्भावस्था रुकी थी, या पिंकिश कलर का डिस्चार्ज आया था लेकिन डिलीवरी डेट से 1 सप्ताह पहले। तो फ्रेंड, ये कहलाता है इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी इसे कहा जाता है। जब बच्चा आपके फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके आपके यूट्रस में आकर इम्प्लांट होता है, तो वहाँ पर एंडोमेट्रियम लाइनमेंट खुरदता है और वहाँ चिपकता है, तो कुछ डेड टिश्यूज़, ठीक है, क्योंकि होता तो वो ब्लड ही है, तो कुछ डेड टिश्यूज़ बाहर निकलते हैं आपके यूट्रस से, बच्चेदानी के मुंह से बाहर को निकलते हैं, योनि से बाहर को निकलते हैं, और वाइट डिस्चार्ज के साथ मिलकर, ठीक है, अगर रेड और वाइट को हम मिक्स कर देंगे तो ब्राउन या पिंक कलर ही नज़र आता है, तो वो डिस्चार्ज आपको बाहर आता है, जिसे हम पीरियड आने का संकेत मानते हैं। लेकिन ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज होता है। अगर आपको भी आपके पीरियड डेट से 1 सप्ताह पहले ब्राउन पिंकिश कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा अंदर चिपक गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब महिलाओं को ये डिस्चार्ज आए, 60-70% महिलाओं में ही ब्राउन या पिंक कलर का डिस्चार्ज या स्पॉटिंग की समस्या देखी जाती है। लेकिन आपको डिस्चार्ज वाइट रंग का आता ही आता है, ठीक है, जो कि आपकी गर्भावस्था की तरफ इशारा करता है। माइनर सा पेट के निचले हिस्से में दर्द, हेडेक की समस्या, ब्लेमिशेस, पिंपल्स की समस्या, पेट के निचले हिस्से में दर्द के साथ साथ कमर में भी आपको दर्द महसूस हो सकता है, तो ये लक्षण इशारा करते हैं आपकी गर्भावस्था रुकी या आपको पीरियड्स आने वाले हैं।